आप मुझे बताइए कि आम लोगों की आमदनी घटती जा रही है और देश के एक दो पूंजीपति दुनिया के अमीरों की सूची में जाकर के शुमार हो जाते हैं। मैं यहां यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी पार्टी अमीरों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी उद्योग धंधों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं जहां आम लोगों के पास रोटी नहीं हो और प्रधानमंत्री के पास चलने के लिए 8,500 करोड़ का विमान हो। हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं कि इस देश के आम लोगों के हाथ में शिक्षा नहीं हो, कलम नहीं हो, स्लेट नहीं हो, कंप्यूटर नहीं हो, मोबाइल नहीं हो और इस देश की जो सरकारी संपत्तियां हैं बीएसएनएल के बारे में क्या कहा गया? बीएसएनएल के बारे में कहा गया बीएसएनएल का मतलब होता है भाई साहब नहीं लगेगा। अरे भाई साहब नहीं लगेगा तो आप मुझे बताइए कि जियो धन धनाधन कैसे करेगा? यह सवाल आज इस देश के सामने खड़ा है। सरकार क्या करेगी? यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं इस देश के नीति निर्माताओं से कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा, जब देश में नहीं होगा एयर इंडिया, तो आप बताइए क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया?